प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत बराज सलाम। यकूब साहब इटली से हमारे साथ हैं। पहले इनकी खैरियत पता करते हैं। यकूब साहब, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? दुआ कर जड़ू दुमी है जी, कमजोरी बड़ी है, हलन नहीं हों, तुरन नहीं हों, घरों बाहर भी नहीं निकल हों। एक डॉक्टर मैं क्या, मैं 6 हफ्ते हो गए ना मैं नहाता नहीं, दसो मैं नहा या ना ना। उन्होंने क्या गल है, नहा लै टांके जो अपने नवी टेक्नोलॉजी है, टांके कल नहीं पाते निकल जाएंगे। लेकिन तू कह बड़ी नहाने तू बाद तौलिया लागे पिंडा पुएंगे जिथे कि तेन ना जरा बाईपास होया दिल ला एक तू गर्दा तू लागे थले धुनी तक तेरे चीरा है, एक सज्जू लागे खब्बे तक है, एक खब्बी बांह पूरी चीरी ने इतने नवा पिस्तौल लाया रही जा सी अगला बंद हो गया। एक आए ने इतने मेरी गर्दन च, एक इतने पट जी जा सी करते ना बेहोशी च मेरी, 5-6 दिन में बेहोश रहा कोई होश नहीं। तो आखे सारे कट लेने हूं हूं तू आखे ना एडिया बड़िया तकलीफा तक एने परेशान दो हो गए और तू यकदम उठ के तुरे बुढ़ा बंदा है बीमार है ते तू कम अज कम 2-2.5 महीने बाद जाके रेगुलर आ गया खाया पिया तू खा पीना कुछ नहीं। उन्हें मेरे बच्चों ने भी किया बीवी ने किया मैं रोटी नहीं खाता, मतलब 6 हफ्ते पा रहे ए मलता वागू पिया रहा बस पानी पी सड़ता है या तुम घरों को ले आते हो मैं घरों ना खड़ते थे कोई मेरा दिल नहीं करते फेसबुक से मेनू गाला कढ़दे पे ने सामने आके कढो जिहड़ी इज्जत इंसान औकात नाल नहीं मिलती, जिहड़ी इज्जत मिलती है बंदे नूं किस्मत नाल हकीकत नाल मिलती है, खुदा दा पाया वे नेक नीयत बंदा वे उहनूं खुदा इज्जत दिंदा है। जिहड़े आखो ना पैसे पैसे नवाज शरीफ ने मुल्क थोड़ा टुटे जारी थोड़ा टुटे बाजवे ये जो मर्जी पे आखे इस वास्ते इहदी औकात भी यही है नसीब भी नहीं कि लान पै गई नसीबा लिखिया गई ने इन्हें कुत्ते की मौत मरना दे याद रखियो मेरी गल मक्का फाते अमल है जो ये करता है कौम नाल अगे सारे उन्हें रुपये कमाए ने मुल्क बर्बाद किया लुटे है और इन्हें ना वो जवेद साहब एक आरम लुहार गीत गाँव होंगे जो आई मिर्जे की वारी टुट गई तड़क कर बाकियों का पर्दा पे रहा है इहदी वारी हुण तड़ाका टुटनी है इन्हें नहीं है बचना ये लिखा गया समान के उत्ते इन्हें इस कौम से इन्ना की जुलम किया ये रुपये लै जाता लुट लैंदा जिन्ना मर्जी है एक लोगों दी धीआं भैणां दी तजलील ना करता धीआं भैणां नूं जेल ना ढकदा लोगों दीआं मासूमां बच्चिआं नाल ज़्यादती ना करता। जिहड़ी मेरी वड्डी भैण है राशिदा यासमीन लाहौर वाली कैंसर की मरीज है मेरे नाल 10 साल वड्डी है ज़ाइफ़ उम्र औरत है इस दरिंदे ने ज़ालम ने यकीन करो यजीद का दौर भुल गया फिरौन का भुल गया शद्दाद का भुल गया त्यानी का भुल गया मुशरफ का भुल गया रही शरीफ का भुल गया इहदा कियामत किसी बंदे नहीं भुलना इन्हें जुलम दियां कहानियां लिख सड़ियां ने अक्सर यह बंदे नूं झंडा लैके नहीं बाहर निकल लैंदा बंदा जिहड़े बंदे तरीके साहब दा झंडा पकड़ फड़कन कर दिंदा झंडे झंडे नाल की हुंदा मैं अर्ज करना पाया भाई इमरान खान पाकिस्तानी नहीं है और जालम दे बच्चे तू नासा घुट के सलूट मार रहे हैं इधर इन्हें सलूट मारे पिछे इमरान खान ने बाजवा उस वज़ीर-ए-आज़म आया एक है एक काला शमशाद है एक कोई होर है त्रै है इन्हें सलूट मारे सलूट ने मुंह पर कि अंदर की गंदगी और मैं तकी तुम जाओ वो जरा ना शाह तको कि जवेसा तो लभे ना ये प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल रहा पाया पिछे बाजवा हरामी लगे अगे त्रै ये सलूट मारदा तुसी जी अखा भी चलकी तके हो इहदा मुंह थले कहना कि खबीस दे अंदर कीड़ी खबासत पलदी है पई कल उहनूं मैं सलूट मार दिया वज़ीर आज़म दो टके दा मुलाज़मी जवेद साहब कुत्ता पाली दा इस वास्ते कि मार डंगर दी फस करे घर बार चौं पास राती जागे ते जे कुत्ता अपनी ड्यूटी छड्ड के उठ के घर दे राती पै जे सप्प खा के इलाज
कल सानू मुरबे लभन गए, अरबां लभन गए, जायदादां लभन गए, ये कोई नहीं। जवेद साहब हुण एंड है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान नहीं या ये नहीं। हुण नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस नहीं। ये डिलीवरी जिहड़ी है ना, ये पेट फाड़ के बच्चा कढ़ने वाली गल है। ये नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होना। इन्हां जुल्म दी ओ इंतहा कर छड़ी। ये हुण अपनी जंग पर लड़दे ने। इन्हां नूं पता है भाई जे असीं जंग हार गए ना साडी खैर नहीं, जो कुछ करना ने। तो इंशाल्लाह ये नहीं हो सकता। ये 5 करोड़ आवाम हार जाए, 11-12 कुत्ते जेडे चुप किए ने, माफ नहीं करना। खूफी ने खूफी ये ना आखो, खाली वह नहीं खूफी जेडे जनरल ब्रिगेडी चुप किए ने, जेडे पाकिस्तान के साहबे सैयद बंदे ने, जिन्हें मुल्क लुटे है, किसी ताजर बन के लुटे है, किसी बिल्डर बन के लुटे है, किसी पुलिस चक के लुटे है, किसी बंदे ने जिन्हें मेरी जिन्हें इस वे जिन्या वड्डिया प्रॉपर्टी सारिया फौज लुटी है। मैंने कहते जवेद साहब कलमे पाक की सुन, मैं तो पता ही नहीं दिया। मैं तो हूं पता लगा जी कुछ 6 महीने हो गए। मैं तो इन्होंने खलो के सलूट आ दिया। मैं आ दिया जो कोई बंदा किसी फौजी के खिलाफ गल करे, मैं लड़न मरू तैयार हो जाते हैं। मैं हूं पता लगे कि पाकिस्तान के सब तो वे दुश्मन ही है। मेरे को तबाही ना किया। आज इन्हें दारा मल्ले इतने लिखे है ये लोग गरीबों के पुत्र ग्रेजुएट हो गए, नौकरी छड़ के उन्होंने कलर्की ना लभे, वो चौकीदार लगे अमन। जे योजर ए फिराउन ये जनाबे जी रिटायर होके भी ब्रिगेडियर जनरल किसी पी आई ए महल्ले है, किसी वाबदा महल्ले है, किसी स्टील मिल महली है, किसी बाडी बिल्डर मुल्क से कब्जा किए। इन्हें पूरी कौम संगू फाया, गली से अंगूठा रखे, जीवन नहीं बदलते। अगर इस कौम ने गैरत ना खाधी, अगर मुल्क बचाना ना दे, ऐसो वड्डी दरिंदगी केड़ी है। जिहड़े साहब तुसीं दसो मैनूं अपने ईमान नूं हाज़र नाज़र रखे पूरी कौम पाकिस्तानी। पर इमरान खान ते जो कुछ इन्हें कीता दूजा तीजा सार है, एक केस पकड़ सके ने, वो है मुजरम। 50 रुपये पाकिस्तानी भी खाधे ने। अच्छा गल सुनो, एक कानून बनाया है कि तुसी फौज की बेइज्जती नहीं करनी, 2 साल जेल है उत्थे पाकिस्तान च, ते जरा त्याग ना बोलिया करो हुण ना। जवेद साहब मैं तुहानू की कह दसाना, मैनू कलमे पाक दी कसम है, मेरा ईमान है जदों मौत आवनी आवनी है, जे सारे बंदे डरदिया 2 साल सजा तो अंदर बह रहे ना, ते फिर मुल्क गया जे। मैं अगर मैनू मेरे गुर्दे नाल साफ होंदे, मैनू तकलीफ ना, मैं सवेरे पाकिस्तान, मेरी पेंशन हुई है, मैं जग पा के गोली मार दे। ये कोई गल नहीं, जो हर बंद का यही जरफ हो, यही सोच हो, मैं कुत्ता फड़ के 2 साल अंदर करेगा, जिंदी नस्ल ही कौन, असल ही कौन, जिसका पता ही नहीं कौन है, कितों आया, इसका DNA टेस्ट करो, बाप क्या नस्ल पूरी कितों है। जेडे हम साथी रख ली के बच्चे, जेडे एक कुड़ी है नवी, ना ना लेना, ना ना लियो, ना ना लियो, बस ठीक है। नहीं वह जी आ रही है फलाना सैयद है, फलाना हाफिज है, फलाना और जालम दे बच्चे, वो सैयद है हजरत पीर मेरे साहब गोले शरीफ फाई सरकार, सैयद है पीर सैयद जमाती साहब मोहद सही पुली, सैयद है उन्होंने मुरीद मेरे पीर मुर्शिद बिलाल सैयद पीर शहन शाह का सरकार, सैयद है दाता दूर गंज बख्शी मेरे हम सरकार, दाता है बाबा फरीदू निखा शिकर हम सरकार। यह कहना सैयद है एडा दरिंदा होके जालम हो के तुम खाल कुत्ते बिलाल सैयद बना सकते है। सैयद जेड़े है उनका मुंह तो नूर वसद है, सैयद है सैयद नसीर तो नसीर गोरे शेर फाज पा के चेहरा तकी है राह बला दिन नजर आते हैं। जालम दे बच्चे तुम्हें जी शक्ल तकी है उल्टी आमदी क्लीन आमदी। कल मैं चैलेंज किया, मैं आज तो 52 साल पहला 5 साल हफ्ता है जो तो नवा नवा मैं टूरिया स्कूल, मेरी माम ने दस भेज दी, उन्होंने शौक है मेरा पुत्र रावल बन गया, मैं नहीं बनया, मैं ड्राइवर बन गया अपने अपने पास तुम, मेरे 2 भरा हफ्ते कुरान ने, मेरे मामू हफ्ते कुरान ने, समझ आख नहीं आ गई, मेरे खानदान 17 हफ्ते कुरान बन। लेकिन गल है मैं नहीं बन सकिया, लेकिन मैं 5 साल हिफज किए हैं, मेरे नाल बह के मेरा चल रही, मैं फोन से सुन ले, मेरे नाल बह के 5 पारे ठाई एन सी इतनी पहला दूजा 5 पारे मेरा पढ़ ले रहा है। अच्छा मैं हफजा मैं आती है, एक चीज दसना जरा, एक चीज दसना, तुम 5 पारे हिफज किए थे नहीं, जो हाफज बनते ने तो तर्जमा भी उन्होंने जबानी याद होंगे, तरजमा सारे उन्होंने याद होंगे, जो तफसीर पढ़नी है ना, यह सारे बंदे जो ना दुनिया की टहले कहने कर्मा रखे, उन्होंने ना आया देखो जी वो मौलवी इसरार या की उन्होंने ना आया डॉक्टर इसरार, हम जी डॉक्टर इसरार, वो फिर जो बंदे जो आलम ने ना, या अलामा इकबाल
हाफिज भी नहीं है, पूरे कुरान की तफसीर आती, हर बंदे नूं तफसीर नहीं आती। जिहड़े हुण मेरे दो भरा ने, एक भरा मेरा जिहड़ा वह हाफिज भी है आलम ही है, एक भरा मेरा जिहड़ा सिर्फ उन्हें सादा कुरान पढ़िया बच्चे पढ़ाता है, उन्होंने कुरान पूरा आंदा, हुण भी बुढ़ा हो गया, चिट्टी दाड़ी है, लेकिन ये भी 30 पारे राती सुतिया, दो दो तीन तीन पारे पर कलम जारी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ दिया 40-45 साल अगले उन्हें मामद की है, वह कलम जारी है। फसल तो याद ने, मैं जिस वे भी टाइम मिलता जवेद साहब मैं पा डेढ़ पा अद्धा सपारा पढ़ लेना मुताले रखना भाई चलो याद रहे। हूँ जो कि मुश्किल कोई नहीं, जेड़ा बंदा एक सपारा तफसील पढ़ लेना उस्ताद को बह के अगू पता लग जाता है वह अलफ चुके बनता है, बे चुके बनता है, ए चुके बनता है, समझा नहीं आ गई, फिर उदा जरा ना अपने आप जरा बहुत आसानी हो जाए। पहला सपारा नहीं आना, शक्ल तो किसी बयान का बस रही है अपनी टकनी मोहसन नकवी जी मरासिया ने किसी वर्गे शक्ल तक लिए यकीन करो भावे चार ना रोटी खाधी अंबा फिर भी उल्टी आने बाद नहीं आनी, हाल अंबा का चार केड़िया उल्टिया लगी बंदा बल हो जाता है, मोहसन नकवी दी आसमें मुनाफ की शक्ल तक लिए पिछक अंब की चार फाड़िया खा लो उल्टी आवे ही आवे। अच्छा अपने आप नासक बनता है दरिंदा बंदा, जितना नुकसान बाजवे ने कैमी ने 12 साल बिल्कुल नहीं पाया इस बंदे नवा महीने 50 हो गया इस बंद। अच्छा जेड़ा इन्होंने अंधेर है फजर मानू ते मेरे हाल आता होना तर्जमा के नहीं ओए ओनू जालम दे बच्चों मैनू समझ नहीं आती ये साढ़े पाकिस्तान के मौलवी नूं की हो गए है, ये मौलवी का खुदा बेड़ा गर्क करे अपने प्यारे अबीब के सदके उदते फिरते हैं। एक और है मेरा पतरिया वह कद ऊंचे चले आता, कद खोते चले आता, कद घोड़े चले आता, कद मोटरसाइकिल चले आता, ओडी एडी ओडी कभी है आवाज एड्डी बुरी मेरे कन्ना च पैंती मैं नफरत हो जाती है, और जेडे वे बाप की चाह देखिया पीतियां मजदूर बंदा है वह भी जाया करेगा, कद सड़के से पैदा होंगे क्या, और जेडे प्यू तकलीफ पीती है उन्होंने चाबी रखने मगर चाबी लगी है 4 रुपये लभदे ने इन्हों मौलवियों ने केस हूँ फजल रहमान का किसी ने सुनिया उन्हें आख्या कि मैं गल आखना जी आम जिनसी है ये जायज करार देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी बयान है आरामी का वाजबल कतर है जिस तरह जी जरा चाबी आला दस रहे जे मंगाई तो उन्हें कोई आवाज नहीं उठाई, लोग तड़प पे ने मंगाई की वजह तो परेशान ने बड़े अजकल बिल आए थे बिजली दे नहीं उदो बड़ा बोलता सी ना साध रिजवी के मंगाई बड़ी है साध रिजवी की जवेद साहब के तार उल कादर की कोई कहानी है वह भी तमाशे वाला बंदर है, यह भी तमाशे वाला बंदर है, सुनता पा मेरा पुत्री मैं समझाया बड़ा मैं क्या पुत्र इंसान का बच्चा बन जरा असल हकीकत मैं क्या मेरा कोई इमरान खान मामे का पुत्र नहीं है, मनु के चेहरे से नूर नजर आता है वह अरबपति बंदा उन्हें अज तक जिंदगी आना नहीं खाधा, इन्हें इस वे इमरान खान की कदर नहीं करनी नाल नहीं लगना, वह ना मौलवी है ना वाफद है ना आलम है ना मुसलमान है ना पाकिस्तानी है ना इंसान का बच्चा है, ये दो बंदे ने पिंडी दे एक जरा चौधरी निसार चौधरी है या कोई होर है मैं नहीं आखदा, एक जरा बफलो नहीं अफरीका की माझ होती मूह हकान वासी यह दोवे अपनी मौत मर जाएंगे, इन्हें 30-30 साल दलिया के ना रखे उन्होंने घर का जूठ भी खाध्या है दलिया की गुलामी की है, वह बंदा गैरत नहीं खा सकता बोल नहीं सकता नंबर दो बंदे टाइम थोड़ा बहुत बीमार जे कहते मुश्किल बिलावल वजीर आजम बन रहे पाकिस्तान का हैदराबाद पेशावर पिंडी राती नजर जल नजर है जिवें साहब मेरा तजर्बा जी मैं गुजरात पैदा है मैं गुजरात के हराम के बदमाश बड़े थके दे मैं बदमाशा तो मौलवियों की मैं नस्ल न जानना क्योंकि जो मेरे मुर्शिद पाक है बड़े झूठी दे आलम है सैयद है दलेर भी है बहादुर भी है अच्छा उन्होंने को मैं बहादुरी सीखी है ये बदमाशा को मैं इन्हों की औकात छूनी है ये बदमाश अंदरू बड़े बुलचल होंगे बगैरत होंगे ने जोड़ा बंदा बहादुर होंगे ना वो जालम ही नहीं होंगे ये जिसमें जनरल है ये बगैरत जी ये बुलचल जी ये अज वहां बाहर निकल रहे अल्लाह की कसमें पतूना छड़ के ला जाएंगे इन्होंने औकात के है चलो साड़ी फौज है
ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਆਖਰੀ ਕਮਿਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਦਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 11-12 ਜਨਰਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬੂਜ਼ੇ ਨਸਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੱਕੋ ਨਾ ਦਲੇ ਦੁਲੇ ਦਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸੀਮ ਢੱਕਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ ਕੇ ਗਲੈਨ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰਾਮੀ ਲੱਥਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿੱਟ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਾਲਮੋ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਦਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਾ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕਾ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੁਆ ਹੈ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ।